हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू वेरी ओन चैनल ज्ञानी एकेडमी। मैं हूं नमन अग्रवाल, आप सभी का फेवरेट फैकल्टी और स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए लेक्चर में, जहां आज हम देखने वाले हैं विक्टर ब्लूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके, तो विक्टर ब्लूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी लास्ट मोटिवेशन की थ्योरी बची है हमारे इस चैप्टर में, तो फटाफट से इसको देखेंगे समझेंगे। बहुत ही प्यारी इजी थ्योरी है समझने में, जिसको दिया था बट ऑब्वियसली विक्टर ब्लूम ने कौन से ईयर में, इन द ईयर 1964। सर ईयर ध्यान रखना है? बिल्कुल ध्यान रखना है, ध्यान रख लोगे अच्छी बात है, नहीं रख पाओगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका एग्जाम जो होने वाला है वो एमसीक्यू पैटर्न में होने वाला है, श्योर शॉट आंसर आएगा, बढ़िया से मार्क्स लेके आ जाओगे, नहीं तो भी आपके पास एक गेस करने का, तुक्का लगाने का ऑप्शन तो अवेलेबल है ही है। विक्टर ब्लूम ने दी थी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी कब, इन द ईयर 1964। कौन से ईयर में? 1964 में। अब विक्टर ब्लूम भैया कहां के थे? ऑफ याले स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, या इसको येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं, काफी मतलब ये बहुत ही फेमस स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट मतलब यूनिवर्सिटी है, ये बहुत ही ज्यादा फेमस है वर्ल्ड की। क्लियर बात है? हां जी सर। अब ये जो इन्होंने थ्योरी दी है, क्या थ्योरी दी है भैया? एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। क्या मतलब है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी का? विक्टर ब्लूम का ये मानना था कि कोई भी इंप्लॉई अगर वो कुछ काम कर रहा है तो कुछ ना कुछ उसकी एक्सपेक्टेशन है। अगर वो एफर्ट लगा रहा है तो ये भी चाहेगा कि भैया अगर जैसे वो एफर्ट अपना इंक्रीज कर दिया तो उसकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आप 6 घंटे डेली पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप 6 घंटे डेली पढ़ रहे हो, उससे अगर मैं बोलूं कि भैया मैं फ्यूचर देख के आया हूं और अगर आप डेली 6 घंटा पढ़ोगे तो आपके जो फाउंडेशन में मार्क्स है वो समझ लो 220 आएंगे। ठीक है, अगर आप 6 घंटे डेली पढ़ोगे तो आपके 220 मार्क्स आएंगे। अगर आप इसी को 2 घंटा एक्स्ट्रा बढ़ा दो, मतलब आप डेली कितना पढ़ रहे हो? 8 घंटे। तो अगर आप डेली 2 घंटा अपना एक्स्ट्रा बढ़ाओगे तो आपके जो नंबर है वो 270 आ जाएंगे। क्लियर बात है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने थोड़ा सा एफर्ट बढ़ाया और आपको परफॉर्मेंस जो है, आपका आउटकम जो है, रिजल्ट जो है, वो आपके उसमें भी आपको इंप्रूवमेंट दिख रहा है। मतलब क्या, हम अगर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं तो उससे क्या हमारी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं, इसी को चेक करना देखना क्या बात करती है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी वैसी नहीं है मार्शलो वाली कि भैया एम्प्लॉय को ये नीड की जरूरत है, ये नीड है, ये नीड है, उसको थोड़े थोड़े टाइम पे उसकी नीड फुलफिल करते जाओ। नहीं, ये नीड पे नहीं फोकस करके एक्सपेक्टेंसी थ्योरी फोकस करती है आउटकम पे। देखो क्या लिखा है, रूम स्ट्रेसेस ऑन स्ट्रेस एंड फोकसेस ऑन आउटकम एंड नॉट ऑन द नीड्स, अनलाइक मार्शलो एंड हर्ट्ज़बर्ग। मार्शलो की तरह हमको नहीं कि भैया पहले इनको ये नीड चाहिए, बेसिक नीड, फिर साइकोलॉजिकल नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ऐसा नहीं। हम फोकस करेंगे यहाँ पे आउटकम के, आउटकम पे कि हम अपना एफर्ट लगा रहे हैं, ठीक है, रिटर्न हमको कितना मिल रहा है, अगर हम अपना एफर्ट बढ़ा दें क्या हमारी परफॉर्मेंस बढ़ रही है या नहीं, उस हिसाब से ही कोई इंप्लॉय काम करेगा। अगर मैं आपको बोलूं कि आप दिन में 12 घंटे भी पढ़ो फिर भी आप सीएमए फाउंडेशन का पेपर क्लियर नहीं करोगे, चाहे आप 15 घंटे पढ़ो 20 घंटे पढ़ो, मैं बोल रहा हूं कि मैं फ्यूचर देख के आया हूं, और अगर आप 20 घंटा भी डेली पढ़ोगे तो भी आपका पेपर क्लियर नहीं होगा, तो क्या आप मुझे बताओ 20 घंटा पढ़ोगे, या आप कोशिश करोगे कि मैं 21 घंटा पढ़ लूं? नहीं, आप बोलोगे कि जब भैया मुझे पास ही नहीं होना है तो मैं एक भी घंटा क्यों पढ़ूं, आप काम करना छोड़ दोगे। सिंपल सी बात है। यही यहाँ पे विक्टर ब्लूम ने बोला है कि अगर कोई इंप्लॉय अगर एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहा है तो वो देखेगा कि क्या उसकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आ रहा है या नहीं। अगर उसकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट नहीं आएगा तो लाइकली अपना काम करेगा, अपने एफर्ट्स को बढ़ाने की जरा सी भी कोशिश नहीं करेगा। यानी हमारा जो पूरा का पूरा फोकस है वो आउटकम पे है। अगर मैं बोलूं आप 8 घंटे पढ़ के 250 नंबर लाओगे, 10 घंटे पढ़ के आप 350 नंबर लेके आओगे, तो ये क्या, आपने अपना थोड़ा एफर्ट बढ़ाया, रिजल्ट भी आपको आउटकम भी उतना ही दिख रहा है। बट अगर मैं बोलूं चाहे आप 8 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, आपका 250 मार्क्स ही आने वाला है, तो आप क्या करोगे, बोलेगे कि 8 घंटे पढ़ते हैं भाई, 10 घंटे पढ़ के भी अपने को उतना ही नंबर मिलना है, तो कम पढ़ लो, कम मेहनत कर लो भाई। ठीक है, सिंपल। तो ये यहाँ पे कहना है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी का, द थ्योरी स्टेट्स दैट द इंटेंसिटी of a tendency to perform in a particular manner is dependent on the intensity of the expectation that the performance will be followed by a definite outcome and on the appeal of the outcome to the individual. ये थ्योरी साफ साफ ये बोलती है, ये थ्योरी साफ साफ ये बोलती है कि the intensity of tendency to perform in a particular manner, हम कितनी मेहनत से कितना इंटेंसिटी लगा के किसी काम को करेंगे ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ द एक्सपेक्टेशन दैट द परफॉर्मेंस विल बी फॉलोड। ठीक है, ये उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा कि हम जो आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमारी जो परफॉर्मेंस निकल के आ रही है क्या वो उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है, क्या हमको लग रहा है कि हाँ भैया हमने मेहनत करी हम पास हो गए जाके, हमने थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट मारा, लोगों से दो फ्रेंड है, एक फ्रेंड 6 घंटा पढ़ रहा है, दूसरा 8 घंटा पढ़ रहा है, दोनों ने फाउंडेशन का पेपर दिया, एक क्या है 220 नंबर, दूसरे क्या है भैया 250 नंबर, तो जो दूसरा फ्रेंड है जिसने ज्यादा मेहनत करी तो उसको लगेगा कि हाँ भैया इससे मैं 2 घंटा ज्यादा पढ़ता था तो लाइकली मेरे मार्क्स भी इससे थोड़े से ज्यादा आए हैं। तो भैया आप तभी मेहनत करोगे जब आपको लगेगा कि आपके एक्स्ट्रा एफर्ट डालने से, आपके एफर्ट डालने से जो आपको आउटकम मिलने वाला है वो आपको प्रॉपरली मिलेगा। अगर आप एक्स्ट्रा मेहनत करके भी आपकी परफॉर्मेंस में कोई इंक्रीज नहीं आ रहा है तो आप परफॉर्म ही नहीं करोगे, मतलब वो जो एक्स्ट्रा एफर्ट है वो आप नहीं डालोगे। सिंपल बात एकदम। हां जी सर। आगे एक्सपेक्टेंसी थ्योरी स्टेट्स दैट employees motivation is an outcome of how much an individual want a reward that is valence
the assessment that the likelihood that the effort will lead to the expected performance expectancy and the belief that the performance will lead to reward instrumentality. अब ये valence, expectancy, instrumentality क्या है? ये ध्यान से समझो, तीन पिलर हैं इस थ्योरी के. क्या है? तीन पिलर है. क्या क्या? Expectancy, instrumentality और valence. इसी ऑर्डर में इसको ध्यान रख लो. Expectancy, instrumentality और valence. Expectancy क्या है? तो हर employee ये expect करेगा कि भैया अगर वो extra effort डालेगा तो उसकी performance भी increase होगी. Expectancy is the faith that better efforts will result in better performance. आप दो घंटा एक्स्ट्रा तभी पढ़ोगे जब आपको लगेगा कि मेरे दो घंटा एक्स्ट्रा पढ़ने से या तो मैं पास हो जाऊंगा या मेरे मार्क्स में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा या आगे की जर्नी मेरे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी. मतलब कुछ ना कुछ आपको आउटकम आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, कुछ ना कुछ बेटर आउटकम आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तभी जाके आप थोड़े से और एक्स्ट्रा एफर्ट जो है वो डालने वाले हो. एक्सपेक्टेंसी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स सच एज पोजीशन ऑफ एप्रोप्रिएट स्किल फॉर परफॉर्मिंग जॉब, availability of right resources, availability of crucial information and getting the required support for completion of a job. अब expectancy कुछ factors से influence होती है. वो क्या क्या है? यहाँ पे लिखा है भैया कि आपको जो appropriate skill चाहिए मिल जाएंगे, right resources आपके पास available हो जाएगी, crucial information आपको मिल जाएगी, बाकी लोगों से आपको support वगैरह मिलेगा. तो आप effort डालोगे in order for performance. आप हमेशा effort डालोगे ताकि आपकी performance जो है increase हो जाए. अब परफॉर्मेंस डालने से क्या होगा? इंस्ट्रूमेंटेलिटी. इंस्ट्रूमेंटेलिटी इज द फेट दैट इफ यू परफॉर्म वेल देन अ वैलिड आउटकम विल बी देयर. इंस्ट्रूमेंटेलिटी क्या बोलता है? कि अगर आप बढ़िया तरीके से परफॉर्म करोगे तो आपको एक बढ़िया आउटकम भी मिलेगा. एक्सपेक्टेंसी क्या बोलता है? कि भैया मैं अगर एफर्ट डालूंगा तो मेरी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, मेरी परफॉर्मेंस बढ़ेगी. इंस्ट्रूमेंटेलिटी बोलता है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी तो कहीं ना कहीं आपका जो आउटकम है, जो आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है, जो आपका आउटकम है वो क्या होगा? वो भी आपका इंक्रीज आपको होते हुए दिखेगा, एक वैलिड आउटकम आपको मिलेगा. अब इंस्ट्रूमेंटेलिटी इज अफेक्टेड बाय फैक्टर्स सच एज बिलीव इन पीपल हु डिसाइड हु रिसीव व्हाट आउटकम, द सिंपलिसिटी ऑफ द प्रोसेस डिसाइडिंग व्हाट हु गेट्स व्हाट आउटकम एंड क्लैरिटी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन परफॉर्मेंस एंड आउटकम. सिंपल है भैया कि आप कितना परफॉर्म कर रहे हो, कितना आपको उसके रिटर्न में आउटकम जो है वो मिल रहा है. इंस्ट्रूमेंटेलिटी किसका रिलेशन है? परफॉर्मेंस और आउटकम का. एक्सपेक्टेंसी किसका है? एफर्ट्स का और परफॉर्मेंस का. इंस्ट्रूमेंटेलिटी किसका है? परफॉर्मेंस का और आउटकम का. अब अपन आते हैं वैलेंस पे. अब अपन आएंगे वैलेंस पे. अब हमने एफर्ट डाला, हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई, परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई तो जो हमको आउटकम चाहिए था वो हमको मिलने वाला है या मिल गया है? मिल गया, चलो आउटकम मिल गया. अब वो आउटकम हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये मायने का. अभी तो आप मोटिवेट हो गए. जैसे मान लो आपका कोई एक गोल है, अगर मैं आपको बोलूँ कि चलो आपको 10 फीट गहरा गड्ढा खोदना है, ठीक है, 10 फीट आपको गहरा गड्ढा खोदना है और जब आप 10 फीट गड्ढा खोद लोगे उसके बाद आपको मिलेंगे सोना, ठीक है, उसके बाद आपको क्या मिलेगा? सोना मिलेगा. क्लियर बात है? अब आप भैया आपके मन में आ गया मोटिवेशन, फटाफट गड्ढा खोदते हैं, 10 फीट गड्ढा खोदेंगे अपने को सोना मिलेगा. और आपने क्या किया, मान लो 10 फीट आप गड्ढा, आपकी जो नॉर्मल कैपेसिटी पे अगर आप काम करते तो आपको मान लो 1 घंटा लग जाता. आपने आउटकम के चक्कर में कि भैया आउटकम अच्छा खासा है, आपने क्या किया, और ज्यादा एफर्ट डाले, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई, ठीक है, और आपने 10 घंटे में जो आप गड्ढा खोदते नॉर्मल स्पीड में आपने थोड़ा एक्स्ट्रा डाला कि यार जल्दी जल्दी हाथ चलाते हैं, काम करते हैं, फटाफट से रेस्ट थोड़ा कम लेते हैं, काम ज्यादा करते हैं, तो उस चक्कर में आपने मान लो 7 घंटे के अंदर 10 फीट गहरा गड्ढा खोद दिया. अब आपको मिला सोना. अब सोना कितना मिला? मान लो 1 ग्राम मिला, ठीक है, आपको सोना कितना मिला? 1 ग्राम मिला. आपको लग रहा था कि यार बहुत सारा सोना मिलेगा, आप सोच रहे थे कि भैया एकदम 10-15 किलो सोना मिलेगा, और आपको क्या मिला? 1 ग्राम सोना मिला. सोना तो मिला बट वो कम, ठीक है. तो क्या ये जो आपको परफॉर्म आपने किया, आपने जो एफर्ट डाले, आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई, इंक्रीज परफॉर्मेंस का आपको आउटकम मिला, क्या वो आउटकम का सिग्निफिकेंस है? क्या आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है? क्या आपको जो आउटकम मिला है क्या आप उसमें खुश हो या नहीं हो, सेटिस्फाई हो या नहीं हो? क्या आप सोच रहे थे कि आपको 1/2 किलो सोना मिलेगा, यहाँ तो आपको 1 ग्राम सोना मिला. हालांकि 1 ग्राम सोने की भी कीमत है मार्केट में, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं मिला, अच्छा खासा आपको पैसा तब भी मिल गया, बट फिर भी क्या आप खुश हो कि नहीं? क्या आपके लिए वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं जो आउटकम आपको मिला है? ये बात करता है वैलेंस. वैलेंस क्या है? इट इज द सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस एसोसिएटेड बाय एन इंडिविजुअल अबाउट द एक्सपेक्टेड आउटकम. क्या जो आपको आउटकम मिला है क्या वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है? जो आपको आउटकम मिला है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है? आपके लाइफ में वो कोई वैल्यू एड कर रहा है या नहीं कर रहा है? ये है अपना क्या? सिंपल सी बात. इट इज एन एक्सपेक्टेड एंड नॉट द एक्चुअल सेटिस्फेक्शन दैट एन एम्प्लॉई एक्सपेक्ट्स टू रिसीव आफ्टर अचीविंग द गोल्स. ये क्या है? एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन है जो आप सोचते हो कि हाँ आपको अगर आपका ये गोल अचीव हो जाएगा, ये टारगेट आपका अचीव हो जाएगा तो आपको जो चाहिए था वो आपको मिल गया, जो आपका टारगेट था वो फुलफिल हो गया. तो वैलेंस क्या है? जो आपको आउटकम मिला है, जो आपको आउटकम मिला है, जितना आपने मेहनत डाली, जितना आपने परफॉर्म किया, क्या उस हिसाब से आपको रिवॉर्ड मिला है, क्या वो जस्टिफाई है या नहीं है, क्या वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है, आप देखोगे, ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड बैलेंस, एक्सपेक्टेंसी और इंस्ट्रूमेंटेलिटी. ध्यान रखना तीन पिलर है. एक्सपेक्टेंसी क्या है? कि आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि अगर आप ज्यादा एफर्ट डालोगे आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी. इंस्ट्रूमेंटेलिटी क्या है? अगर आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी तो आपको आउटकम भी मिलेगा. अब बैलेंस क्या है? कि जो आपको आउटकम मिला है क्या वो आपके लिए रिवॉर्ड की तरह है, क्या आप उससे सेटिस्फाई हो, क्या वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है, दिस इज नोन एज बैलेंस. क्लियर बात है? हाँ जी सर. नीचे लिखा है द एक्सपेक्टेंसी थ्योरी कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द फॉलोइंग थ्री रिलेशनशिप. कौन कौन सा?
पहला है एफर्ट परफॉर्मेंस रिलेशनशिप, दूसरा है परफॉर्मेंस रिवॉर्ड रिलेशनशिप, और तीसरा है रिवॉर्ड एंड पर्सनल गोल रिलेशनशिप। सिंपल, पहला क्या है एफर्ट परफॉर्मेंस रिलेशनशिप, यानी मैं जितना एफर्ट डाल रहा हूँ क्या उतनी परफॉर्मेंस मेरी इंप्रूव हो रही है, क्या मेरा बॉस इससे खुश होगा, क्या मुझे परफॉर्मेंस एप्रिसिएशन मिलेगा, क्या मेरी सैलरी बढ़ा दी जाएगी, सिंपल। दूसरा परफॉर्मेंस रिवॉर्ड रिलेशनशिप, इट टॉक्स अबाउट द एक्सटेंट टू विच एन एम्प्लॉय बिलीव दैट गेटिंग अ गुड परफॉर्मेंस अप्रेजल लीड्स टू ऑर्गेनाइजेशनल रिवॉर्ड। वो सोच रहा है कि भैया हाँ मैंने जितनी परफॉर्मेंस डाली थी मुझे उसका कुछ आउटकम मिल गया, अब क्या वो जो मुझे आउटकम मिला है, जो मुझे रिवॉर्ड मिला है, क्या वो मेरे पर्सनल गोल के साथ अलाइन हो रहा है या नहीं, जो मैंने पर्सनल गोल अपने सेट किए थे क्या वो मीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, जो आउटकम मुझे मिला है उससे या नहीं, ये है आपका तीसरा रिलेशनशिप। इट इज ऑल अबाउट द अट्रैक्टिवनेस और अपील ऑफ द पोटेंशियल रिवॉर्ड टू द इंडिविजुअल। जो आपको आउटकम मिला है वो आपको कितना अट्रैक्टिव लगता है। आपने मान लो बहुत मेहनत करके पढ़ाई की, ठीक है, आपका आउटकम क्या है, सीएमए फाउंडेशन पास हो गए, आपको कितने नंबर मिले, मान लो 220 नंबर आपको मिले। अब ये जो 220 नंबर है क्या आप इससे सेटिस्फाई हो या नहीं हो, हो सकता है आप सोच रहे हो कि भैया मेरा तो 300 से ऊपर स्कोर आएगा, बट आपका क्या आ गया, पास तो हो गए, आपको एक आउटकम मिल गया आपके एफर्ट का, बट क्या ये आपके लिए सूटेबल है, क्या आपको अट्रैक्ट कर रहा है, ये आपको डिसाइड करना है, सिंपल सी बात। आगे रूम रॉज ऑफ दैट व्यू, रूम रॉज ऑफ व्यू दैट एम्प्लॉइज कॉन्शियसली डिसाइड वेदर टू परफॉर्म और नॉट एट अ जॉब। रूम ये बोलते हैं कि भैया इंप्लॉई जो है हर वक्त डिसाइड करता रहता है, कॉन्शियसली देखते रहता है कि क्या उसको परफॉर्म करना है कि नहीं करना है, मतलब उसको एफर्ट डालने हैं नहीं डालने हैं। अगर उसको लगेगा कि उसके एफर्ट डालने से उसकी परफॉर्मेंस में कोई इंक्रीज नहीं हो रहा है, उसको आउटकम कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला है, तो वो नहीं करेगा, अदरवाइज वो करेगा। दिस डिसीजन सोली डिपेंड अपॉन द इंप्लॉइज मोटिवेशन लेवल विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर्स ऑफ एक्सपेक्टेंसी बैलेंस एंड इंस्ट्रूमेंटेलिटी। अब वो कितना एफर्ट डालेगा नहीं डालेगा ये टोटल तीन फैक्टर पे, जो मैंने बोला तीन पिलर्स पे डिपेंड करता है, एक्सपेक्टेंसी वैलेंस और इंस्ट्रूमेंटेलिटी पे। हेंस एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल फार्मूला, हम कुछ इस तरीके से हम उसको एक मैथमेटिकल फार्मूला के टर्म में बता सकते हैं, मोटिवेशन इज इक्वल टू वैलेंस इनटू एक्सपेक्टेंसी इनटू इंस्ट्रूमेंटेलिटी वीई इनटू आई। क्लियर हो गई बात सर। नेक्स्ट अपन देखते हैं इस एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के क्या एडवांटेजेस है, क्या लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस है, और इसका इंप्लीकेशन कैसा है। तो पहले आते हैं एडवांटेजेस पे, क्या क्या एडवांटेजेस है। इट एम्फेसिस ऑन रिवॉर्ड्स और पे ऑफ, ठीक है, ये किस पे ज्यादा एम्फेसिस करता है, रिवॉर्ड्स पे, कि भैया मैं ज्यादा एफर्ट डालूंगा मुझे ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, उस चक्कर में क्या एम्प्लॉय ज्यादा से ज्यादा काम करेगा। दिस थ्योरी स्ट्रेस अपॉन एक्सपेक्टेशन एंड परसेप्शन, व्हाट इज रियल एंड एक्चुअल इज इममटेरियल। ये स्ट्रेस डालता है एक्सपेक्टेशन पे कि भैया मेरी एक्सपेक्टेशन कितनी है, क्या वो फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है, क्लियर बात। दूसरा फोकसेस ऑन साइकोलॉजिकल लग्जरी, फोकसेस ऑन साइकोलॉजिकल लग्जरी, मतलब मेंटली आपको कितना सुकून मिल रहा है काम करके, जो आप एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हो क्या वो आपको थका रहा है या आपको और ज्यादा मजा आ रहा है उस चीज को करने में, क्लियर है। तो साइकोलॉजिकल लग्जरी पे ये फोकस करता है कि मेंटली आप कितने स्ट्रांग हो रहे हो, मेंटली आपको कितनी पीस मिल रही है, क्लियर बात है। वेयर फाइनल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिविजुअल इज टू अटेन मैक्सिमम प्लेजर एंड लीस्ट पेन, कम पेन में ज्यादा आपको गेन मिल जाए। नेक्स्ट, इट इज बेस्ड ऑन सेल्फ इंटरेस्ट इंडिविजुअल हु वांट टू अचीव मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एंड हु वांट्स टू मिनिमाइज दिस सेटिस्फेक्शन। ये इंडिविजुअल के सेल्फ इंटरेस्ट को टारगेट करता है, जहां पे कोई भी इंडिविजुअल ये चाहेगा कि कम एफर्ट में उसको ज्यादा से ज्यादा क्या है आउटकम मिल जाए, मिनिमम डिससेटिस्फेक्शन हो और ज्यादा से ज्यादा उसको सेटिस्फेक्शन मिले। लिमिटेशन क्या है, सीम्स टू बी आइडियलिस्टिक बिकॉज क्वाइट अ फ्यू इंडिविजुअल परसीव हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड। ये बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक लगता है, मतलब एकदम दादी नानी परियों की कहानी जैसा ये लगता है, क्योंकि बहुत कम ही ऐसे इंप्लॉय होंगे जो सोचेंगे कि भैया मैं लिमिटेड काम में ज्यादा और एफर्ट डाल देता हूँ, ज्यादा परफॉर्मेंस आ जाएगी और तब जाके मुझे शायद एक अच्छा खासा आउटकम मिले। बहुत ज्यादा इंप्लॉयज का ऐसा नजरिया नहीं होता है, वो होते हैं कि भैया हाँ ठीक है नॉर्मल तरीके से मैं एफर्ट डालूंगा, बहुत ज्यादा मैं एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालूंगा, मुझे पहले रिवॉर्ड दो, पहले मेरी जेब में पैसा डालो, मुझे अदर रिवॉर्ड दो, तब जाके मैं एक्स्ट्रा काम करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। तो बहुत कम ऐसे हमको एम्प्लॉय देखने को मिलेंगे जो पहले एफर्ट पहले डालने के लिए मोटिव में रहेंगे और बाद में आउटकम का वेट करेंगे। अदरवाइज क्या होता है, मैक्सिमम एम्प्लॉय ऐसे होते हैं कि भैया आप आउटकम हमको पहले दो, हमारी सैलरी पहले ज्यादा बढ़ाओ, हमको ज्यादा इंसेंटिव दो, तब हम जाके काम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट है, एप्लीकेशन ऑफ दिस थ्योरी इज लिमिटेड एज रिवॉर्ड इज नॉट डायरेक्टली कोरिलेटेड विद परफॉर्मेंस इन मेनी ऑर्गेनाइजेशन। इस बोल रहा है इस थ्योरी का जो एप्लीकेशन है बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में आपके रिवॉर्ड और आपकी परफॉर्मेंस को कोरिलेट करके ना देखा जाए, ठीक है। इट इज रिलेटेड टू अदर पैरामीटर्स आल्सो सच एज पोजीशन एफर्ट रिस्पांसिबिलिटी एजुकेशन एक्सेट्रा। जरूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके बॉस है जो आपके मैनेजर है वो आपकी परफॉर्मेंस को देख देख के आपको उस हिसाब से आपको रिवॉर्ड देते रहे। बहुत सारे अलग भी पैरामीटर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जिसको देख के आपको क्या होता है रिवॉर्ड या आपको सैलरी अप्रेजल और ये सारी चीजें दी जाती है, सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं। हाँ परफॉर्मेंस भी एक बड़ा मोटिव होता है, बट क्या सिर्फ परफॉर्मेंस बोल देना सही होगा, नहीं, बाकी सारे पैरामीटर्स भी होते हैं। बट ये थ्योरी क्या कर रही है, ये थ्योरी सिर्फ बोल रही है परफॉर्मेंस ज्यादा डालो, एफर्ट डालो, परफॉर्मेंस बढ़ेगा, आउटकम मिलेगा। बट क्या ये हमेशा 100% ट्रू होगा, नहीं, ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका मैनेजर का आपका बॉस का क्या आउटलुक है। अगर वो वैल्यू करते हैं कि परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है, इनको आउटपुट भी उस तरीके का दो, तब ये काम करेगा, अदरवाइज करेगा। नेक्स्ट इज इम्प्लीकेशन ऑफ एक्सपेक्टेंसी थ्योरी।
अब इम्प्लीकेशन के बारे में बात करते हैं, द रिवॉर्ड सिस्टम मस्ट बी फेयर एंड जस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। इस थ्योरी को हमको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, किस तरीके से हमको इस थ्योरी को रन करना है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। तो पहला पॉइंट क्या है कि जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो फेयर एंड जस्ट होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर दो इम्प्लॉय है, दोनों ने सेम टाइप के एफर्ट्स डाले, दोनों को रिवॉर्ड भी सेम मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम थोड़ा सा कुछ अलग रीजन के चक्कर में किसी को फेवर कर दे रहे, नहीं। अगर मान लो दो सेल्स के एम्प्लॉई हैं, एक जो है 10,000 यूनिट बेचता है, दूसरा भी 10,000 यूनिट बेच रहा है, तो ए को जो रिवॉर्ड मिलेगा बी को भी उतना ही रिवॉर्ड मिलना चाहिए। मान लो ए को 2,000 रुपए एक्स्ट्रा कमीशन मिल गया अपनी सैलरी के ऊपर, तो बी को भी उतना ही मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि ए को 1,000 मिल रहा है, बी को 2,000 मिल रहा है। तो रिवॉर्ड सिस्टम जो है वो ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन मस्ट डिजाइन इंटरेस्टिंग डायनेमिक एंड चैलेंजिंग जॉब्स। अब ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए भैया, डायनेमिक और चैलेंजिंग जॉब्स बनाना चाहिए, ताकि जो क्या है इंप्लॉय मजबूर हो जाए कि वो एक्स्ट्रा एफर्ट डाले, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करे, और इससे उसके स्किल इंप्रूव हो, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, एफर्ट्स डालेगा इंप्लॉय ज्यादा, उसको रिवॉर्ड मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा। सिंपल। आगे द डिजर्विंग इंप्लॉय मस्ट बी रिवॉर्डेड फॉर देयर एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस। डिजर्विंग इंप्लॉय को हमेशा रिवॉर्ड मिलना चाहिए। मैनेजर कैन कोरिलेट द प्रीफर्ड आउटकम टू द एम्ड परफॉर्मेंस लेवल। मैनेजर को क्या है कोरिलेट करना चाहिए कि भैया हमारा एम क्या था और एक प्रीफर्ड आउटकम लेवल क्या है, हम कितना मान के चल रहे थे और भैया हम कहां तक उस लेवल तक पहुंचे हैं या नहीं। आगे द मैनेजर मस्ट इंश्योर दैट द एम्प्लॉइज कैन अचीव द एम्ड परफॉर्मेंस लेवल। मैनेजर टाइम टू टाइम ये इंश्योर करे कि जो उसके एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ठीक है, जो भी उसके अंदर वर्कर काम कर रहे हैं, वो जो अपने एम्ड परफॉर्मेंस लेवल है उसको अचीव कर ले। मैनेजर कैसे इंश्योर करेंगे, टाइम टू टाइम उनको गाइड करते हुए, उनको काम का फीडबैक देते हुए कि आप ये चीज गड़बड़ कर रहे हो, ये चीज बढ़िया कर रहे हो, यहाँ पे एफर्ट डालो, उनको और ज्यादा मोटिवेशन करो, ठीक है, मोटिवेशन दो, बूस्ट करो, चार्जअप करो कि और अच्छे तरीके से काम करो, ताकि जो एम सेट किया है वो क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए। सिंपल। नेक्स्ट, एम्प्लॉयज मोटिवेशन लेवल should be continuously assessed through various techniques such as questionnaire, personal interview, etc. Time to time क्या करो, employee का भी आप assessment करते रहो कि हाँ वो सही track पे है या नहीं है, जिस तरीके से काम करना चाहिए काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो goal achieve होना था क्या वो उसी line पे जा रहा है, और साल के end तक क्या वो goal achieve हो जाएगा, या deadline तक क्या वो goal achieve हो जाएगा कि नहीं, इसको आप properly continuously assess करते रहो। various technique है, questionnaire है, personal interview है, meeting करो उनसे, पूछो क्या दिक्कत आ रही है, क्या नहीं आ रही है, उनको guide करो, motivation प्रोवाइड करो। सिंपल यहाँ पे बोल रहा है कि इस तरीके से हम क्या कर पाएंगे, इस थ्योरी को अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट कर पाएंगे। क्या क्या, रेवेन्यू जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो ट्रू एंड फेयर होना चाहिए, हमको परफॉर्मेंस देखते जाना है, देखते रहो टाइम टू टाइम कि क्या भैया इंप्लॉय राइट ट्रैक पे है या नहीं है, जो दो अगर इंप्लॉय काम कर रहे हैं सेम उनका परफॉर्मेंस लेवल है, सेम टाइप का उनको रिवॉर्ड होना चाहिए, किसी भी तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं, डिजर्विंग इंप्लॉय को हमेशा आप रिवॉर्ड देते रहो टाइम टू टाइम। तो इस तरीके से हम इस थ्योरी को क्या कर पाएंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन पे इंप्लीमेंट कर पाएंगे और इसका एडवांटेज उठा पाएंगे। क्लियर बात है हमजे सर? तो विद दिस, ये वाली जो हमारी थ्योरी है यहाँ पे खत्म होती है। तो इसी नोट पे इस लेक्चर को मैं यहीं पे रैप अप करूंगा। लास्ट तक आप बने रहे, अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए दिल से धन्यवाद।